Hey viewers, tell me how are you today? And one more thing, what is up? आज की वीडियो है एक डेक्स लैंप के बारे में जिसका नाम है सन सेंसेस और इसकी जो हाइट है वो मैंने ली है 29 इंचेस में। वेल इसको आप मॉडर्न में भी कह सकते हैं, जैसे सन सेंसेस के जो लैंप आते हैं वो आते हैं 19 इंचेस, 23 इंचेस और 29 इंचेस में। तो सबसे बड़ा जो ये साइज था इसका वो मैंने लिया है। इसको मैंने मंगवाया है हमेशा की तरह अमेजोन से ही। और वेल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि यार ये तो कोई टेक रिव्यू नहीं हुआ, ये तो कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो वेल ये टेक्निकल चीज़ नहीं है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इस लैंप के बारे में, ये काफ़ी पुराना है, टूटा फूटा हुआ है। तो इसको मैं वैसा ही मैंने लगाया है अपने हैलोनिक्स बल्ब के साथ। और बाय द वे, अभी तक आपने मेरी हैलोनिक्स बल्ब वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपको यहाँ लिंक और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लीज़ आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। तो वेल मैंने इसको अपने डेस्क के लिए लिया है ताकि जो मेरा डेस्क का जो स्टार है इसको देखने में काफ़ी बढ़िया लगे मेरा डेस्क, तो इसलिए मैंने टेबल लैंप लिया है। तो वेल देखते हैं कि क्या मुझे 29 इंचेस का जो डेस्क लैंप है वो मेरे यहाँ इस डेस्क पे सूट करता है या नहीं करता है। वेल बात करते हैं सन सेंसेस के बारे में। सन सेंसेस एक ऐसी कंपनी है जिसने अपना काम न्यू दिल्ली में शुरू किया था और आज भी इनका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में ही है। सन सेंसेस एक टेक्निकल कंपनी नहीं है, ये बनाती है होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, वेल इन चीज़ों में ही ये बेहतर है कंपनी। इनकी जो वारंटी की बात करते हैं, हमें वारंटी मिलती है इसकी एक साल की। वेल आप इसे sunsenses.com में भी ले सकते हैं या आई थिंक ये sunsenses.co.in है। वेल आप इसे अमेजोन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है इसको अमेजोन से, और अमेजोन से इसका जो प्राइस मुझे पड़ रहा था वो था 1010 और इसकी जो डिलीवरी चार्जेस थे वो थे कुछ 19 रुपीस। तो ओवरऑल ये मुझे पड़ा है 1019 रुपीस में। अगर आप सन सेंसेस की साइट पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कुछ 1049 में, जो कि 20 रुपीस का फ़र्क है। तो मुझे लगा क्यों ना अमेजोन से ही ले लें, 20 रुपये तो बचेंगे यार। सो वेल कुछ कंपनी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा है नहीं, इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो करते हैं आप इसे अब अनबॉक्स। सो नाउ लेट्स डू द अनबॉक्स। Alright guys, this is the front side of the box। और जैसे कि मैं हमेशा इसको ब्लर करता हूँ, आज मैंने इसको ब्लर नहीं किया है। उसका रीज़न है कि मेरे पास छुपाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसको आप ज़रा दोबारा सोचते रहिए कि मैंने इसको क्या बोला है। वेल आज मैंने इसका जो फ्रंट साइड था वो मैंने कर दिया है रिमूव। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको मिलेगा कि ये है फ्रजाइल हैंडल विथ केयर। बाकी हैंडल की तो बात अलग ही होती है, छोटे मोटे तो पड़ते ही रहते हैं चीज़ें, डेंट वगैरह। यहाँ पे भी कुछ नहीं है खास, यहाँ पे भी है हैंडल विथ केयर। खासकर जब वो कहते हैं हैंडल विथ केयर, फिर भी ऐसी चीज़ें हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। वेल बात यहाँ अलग ये है कि ये है अमेजोन की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि अमेजोन ने इसको डिलीवर नहीं किया है। वेल अमेजोन ने ही डिलीवर किया है, मेरा मतलब है कहने का कि इसको अमेजोन ने पैक नहीं किया है। ये आप देखिए, आप सब जगह से यहाँ पे आपको अमेजोन का कोई भी टेप नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कुछ नहीं। यहाँ से देख सकते हैं इसको, आप यहाँ से देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको अमेजोन का कोई भी नामो निशान नहीं नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इसको परचेज़ किया था वहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं था। मैं फिर भी एक प्राइम मेम्बर हूँ, प्राइम मेम्बर होने के बाद भी इन्होंने खुद पैक नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, सन सेंसेस की तरफ से है ये, इसलिए इन्होंने 19 रुपये चार्ज किए थे डिलीवरी के। सो इट्स टाइम फॉर द अनबॉक्स। और इस बॉक्स की बात करते हैं तो इस बॉक्स का जो वेट है वो है ऑलमोस्ट 2 किलोग्राम्स, और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसको कहाँ से अनबॉक्स करूँ। आई थिंक दिस साइड विल बी गुड फॉर द अनबॉक्स। सो नाउ लेट्स डू दिस। ओके, तो हमने अब कर दिया है इसको उल्टा, तो प्लीज इग्नोर दिस। अरे वाह, डिब्बे में डिब्बा। ओके, तो ये है इसकी ओरिजिनल पैकिंग। यहाँ पे लिखा है इन्होंने सन सेंसेस, और या इट्स www.sunsenses.in। सो करते हैं अब इसको भी अनबॉक्स। बबल रैप, काफी अच्छी पैकेज है इनका, ये तो भाई बाहर ही नहीं आ रहे। ओके, इसको भी हम जरा करते हैं उल्टा, समटाइम्स वी हैव टू डू दिस। ओह नाइस, ऑलराइट, इट्स अनदर लेयर बीनीथ दिस, सो इट्स वेरी गुड पैकिंग यार, आई रियली लव दिस पैकिंग।
Okay, so now I'm opening this. So look at this thing, कि इन्होंने इसको भी काफ़ी अच्छी तरह से पैक किया है. सो ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पेंट है, तो ऑफकोर्स ये पेंट ही है. इतनी अच्छी फिनिश तो नहीं है इनके पेंट की. आई थिंक यू कैन सी दिस यहाँ पे. वेल इट्स ओके. इसकी जो कोड की क्वालिटी है वो लगभग नॉर्मल ही है. कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ ज़्यादा बुरी भी नहीं है. आई गेस टेबल लैम्प्स के लिए या डेस्क लैम्प के लिए इतनी ही क्वालिटी आती है. और इसकी जो कोड है वो आई थिंक है 1.2 मीटर्स और माइट बी 1.5 मीटर्स. साइड पे तो मेंशन नहीं किया है. और प्लग की बात करें तो इसका प्लग भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है. एक अच्छी बात ये लगी मुझे कि इन्होंने हर पार्ट को कवर किया है, काफ़ी अच्छी सपोर्ट दी है इन्होंने हर चीज़ पे. तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है पूरी तरह से ओपन. ये है ब्लैक में और इसका जो स्विच है वो है यहाँ पे. और गाइस तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने इस लैंप को ऑन किया ये ऑन नहीं है, क्योंकि इसकी जो यहाँ से वायर है वो टूट चुकी है. आई गेस इन्होंने ऐसे इसको मोल्ड किया हुआ था ज़्यादा, तो इसको खींच पड़ने की वजह से जो इसकी वायर है वो है टूट गई है. तो आई थिंक मैं अभी इसको फिलहाल जोड़ूंगा और उसके बाद इसको रिप्लेस करूंगा. तो वेल मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करना है, तो वेल मैं इतना तो काम कर सकता हूं और इसको देखेंगे क्या ये मेरे डेस्क के साथ सूट करता है या नहीं. सो गाइस मैंने इसको कर दिया है फिक्स अपने मेथड से, तो मैं डेफिनेटली इसको रिप्लेस करूंगा, क्योंकि कल को ना हो कि मैं इसको ऐसे चलाता रहूं, कल को मुझे चाहिए हो वारंटी वगैरह और कंपनी जो डिनाई कर दे और बोल दे कि आपने इसको खुद ओपन किया है. ऑलराइट गाइस, तो मैंने इस चीज़ को कर दिया है फिक्स. आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. लेकिन आप, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज़ को मेरी तरह फिक्स करेंगे तो आपको डर लगा रहेगा, क्योंकि अगर ये वायर्स कहीं भी कनेक्ट हो जाती है, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं, तो ये शॉर्ट सर्किट कर सकती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा आपके घर के लिए, आपके सिस्टम के लिए. तो वेल मैंने इस पे अपना हेलोनिक्स का बल्ब नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे डाउट है कि अगर मैं वो बल्ब लगाता हूँ और कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कुछ भी हो सकता है. तो वेल डेफिनेटली मैं इसे चेंज करूँगा और चेंज करने के बाद मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा. ओवरऑल गाइस, तो जैसा कि मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं इसको दोबारा से रिप्लेस करूँगा आप लोगों के सामने, एक दोबारा से इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, तो आज मैं एक हफ्ते के बाद मैंने इसको रिप्लेस कर लिया है. मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने इस चीज़ को रिमूव किया हुआ था. आप लोगों की शायद शिकायत होगी कि भाई साहब पता नहीं हमसे क्या छुपाते हैं, तो मैं इसको हमेशा ही रिमूव कर देता हूँ. आज मैंने इसको दिखाया है क्योंकि ये एक नया बॉक्स है. आपको शायद पुराना बॉक्स याद होगा, वो पीछे से कुछ कुछ डैमेज हुआ था, लेकिन ये वाला बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है. तो दैट मीन्स कि ये वाला जो लैम्प है ये है न्यू. इसको मैं करने लगा हूँ अनबॉक्स और देखेंगे क्या ये दोबारा से डिफेक्टिव निकलता है या नहीं. So now let's do this. Okay, so last time हमारी जो वायर थी वो यहां से ब्रेकेज हो गई थी. फिलहाल यहां पे दोबारा से कट है यार, कुछ पता नहीं ये कैसे पैक करते हैं. ओके, तो ये यहाँ से दोबारा कट है. फिलहाल कोई बात नहीं, आई थिंक इनकी जो पैकेजिंग में है कुछ दिक्कत आएगी, क्या पता वो यहाँ से, मुझे लगता है वो ज़्यादा टाइट कर देते हैं, बट आई गेस ये वाला काम करेगा डेफिनेटली. इन्होंने स्विच को काफ़ी अच्छा पैक किया था. ऑलराइट, सो लास्ट टाइम ये ग्लोसी था, बट इस बार हमें मिला है मैट फिनिश में. ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे. Alright, now let's see this portion. ये हमें मिलता है B22 के सॉकेट में. तो आपका कोई भी E27 वाला बल्ब नहीं लगेगा, आपका लगेगा B22 वाला. Okay, it's time to open this up. और गाइस, तो सारा मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है, मैंने इसको चारों तरफ से चेक कर लिया है, ये काफ़ी ठीक है पहले से. लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब आपको ये लैंप आता है तो इन्होंने कुछ इसको इस तरह से सेट किया होता है ताकि ये बॉक्स में कुछ ऐसे पैक हो सके. लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं, अगर आप मान लीजिए आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो इसका जो फेस है वो उल्टा होगा. आपको फेस को करना है यहाँ, लेकिन ये आपको आता है यहाँ, क्योंकि अगर ये फेस नीचे की तरफ हो जाए
तो आपका ये जो लैंप है वो बंद नहीं होता है बॉक्स में। सो अभी हम करेंगे इसको ठीक और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको ठीक करते हैं। सो नाउ लेट्स डू दिस। ओके, तो स्टेप नंबर वन, हमें इस चीज को सीधा करना है ताकि ये इसके पैरेलल आ सके। ओके, स्टेप नंबर टू, आपको इस नट को ज्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि अगर आपके हिसाब से अगर आप उसको स्टैंड करेंगे तो आप ऐसे ऐसे या इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, बट बिलीव मी आपको इसको टाइट करना है लेकिन इतना नहीं करना है ताकि वो जैम हो जाए, राइट? राइट, तो मैंने अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया है, थोड़ा सा जोर लगाऊंगा तो ये एडजस्टेबल हो जाएगा। सो नाउ रूल नंबर टू, आपको इन नट्स को यहां से और यहां से इसको करना है लूज ताकि इस चीज को आप कर सके नीचे। आप लोग शायद यहां देख सकते हैं कि ये जो वायर आ रही है ये आ रही है उल्टी, क्योंकि इन्होंने उल्टा पैक किया था। हम इसको करेंगे यहां से ऐसे ताकि ये जो वायर है ये दोबारा से आ जाए इसके ऊपर। ओके गाइस, तो अभी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या कह रहा था। ये जो इसका फेस था वो था दूसरी साइड ताकि इन कंपनी को पैक करने में दिक्कत ना आए, लेकिन मैंने इसका फेस कर दिया है यहाँ से यहाँ, जहाँ पे इस स्टैंड का बैक होगा वहीं पे इसका फेस आना चाहिए आपको बताने के लिए। और अगर आप जब ये इसको खोलेंगे तो आप ऐसे ऐसे जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं इसको। सो वेल नाउ अब करते हैं इसे ऑन एक बल्ब के साथ। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ऑन अ टेबल। तो मैंने अपने इसको डेस्क के ऊपर रख दिया है इस लैंप को, आप देख सकते हैं मैंने इसको RGB बल्ब के साथ इसकी सेटिंग कर दी है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरी डेस्क के साथ, इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। ये है मॉडल 29 इंचेस में, और जहाँ पे इसका बल्ब लगता है वहाँ पे अगर आप बहुत लंबे समय तक इसको ऑन रखते हैं तो इसका जो बल्ब है वो हीटअप हो सकता है, और साथ ही इसका जो बाहर का कप है जो इसका फेस है वो भी हीट अप हो सकता है। तो आप इसको ध्यान से टच करिएगा। अगर आपने RGB बल्ब नहीं लगाया है, अगर आपने सिंपल एक बल्ब लगाया है जो 10-20 रुपए वाला आता है, तो बिल्कुल ही ध्यान से आप इसको टच करें, नहीं तो आपके हाथ जो हैं वो जल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर टू दिस अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ सनसेंसिस टेबल लैम्प विच इज 29 inches, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन। एंड एज ऑलवेज I will catch you guys with the next one. So till then, take care and bye-bye.